क्या मणिशंकर अय्यर के बयान को कांग्रेस से अलग करके देखा जा सकता है? तब जब आसिफ खान कह रहे हैं कि मैं स्टैंड बाय करता हूं उस बयान के साथ, और ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो खुद ही कहा था मेरा निजी बयान है, मैं अपने निजी कैपेसिटी में आया हूं यहां पर, क्या मणिशंकर जैसे नेता चाहे वो पाकिस्तान जाकर बोले, चाहे वो शाहीन बाग में बोले, चाहे वो किसी रैली में बोले, चाहे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर बोले, उनको कांग्रेस से अलग करके देखा जा सकता है? कतई नहीं देखा जा सकता। असल में रोहित जी आपने जो कहा, वो जब विदेश मंत्रालय में थे तब सलाहकार, राजीव गांधी के सलाहकार, राजीव गांधी के साथ पढ़े हुए, आज वो परिवार के सदस्य भी हैं। देखिए यदि मैं आप यहाँ से निकल करके बाहर कोई जाके कोई ऐसा गलत काम कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, रोहित जी आपके साथ चैनल में बैठे थे, आपके साथी हैं, कहीं आप क्या तो काम नहीं करते थे। यही स्थिति है, वो उससे बच नहीं सकते, वो पार्टी के रणनीतिकार हैं, पार्टी के बाकायदा, वो चाहे पार्टी के बाहर भी बीच में उनको निलंबन किया गया था, याद है आपको, जब चाहे उन्होंने किस तरह से किया वापस उनको लिया गया। तो इसलिए ये कह रहा बेटी कि पार्टी में रणजीत सुरजेवाला कितना जानते हैं उनको, जब वो पैदा नहीं हुए तब से मणिशंकर अय्यर उनके पार्टी में रहे हैं, पार्टी के बहुत दिग्गज उनमें से हैं, लेकिन आत्मघाती दस्ते की तरह काम करते हैं। वो अमेरिका में भी जिस समय राजीव गांधी गए तब भी उनके ऐसा कुछ बयान हुए जिससे सारे भारत में एक अलग बेचैनी हो गई, तब से लेके पाकिस्तान में वो दूतावास में भी वहाँ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से वो बयान, अभी सबसे बड़ी बहुत गंभीर बात यही है, आप शाहीनबाग कह रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर उन्होंने जो कुछ बोला है ये दुनिया के किसी मुल्क में उनको करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती। गौरव भाटिया यहाँ बैठे, शायद वो ज़्यादा मुझसे अच्छा बता सकते हैं, या इवन चेतन, ये भी वकील है, क्या भारत के खिलाफ जाकर के कश्मीर के मुद्दे पर इतना बोलना और उसके तत्काल बाद आकर के यहाँ उन जो मासूम लोगों को, मैं आज भी मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि वो पाकिस्तानियों के लिए, उनको भड़का करके गरीब महिलाओं को बुजुर्गों को वहां बिठा दिया गया, वो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और उनको नहीं, मणिशंकर अय्यर जाके भड़का, वो तो कुर्बानी खुद देने का मतलब कहकर कुर्बानी तो वो देंगी, ये तो बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनकी बात छोटी सी, ये अपने नागरिक अधिकारों की बात करेंगे ना, ये लीड कर रहे हैं उस पूरे आंदोलन, रोहित जी एक छोटी सी वहां बैठे हुए कर रहे हैं 10 सेकंड की एक छोटी सर एक छोटी बात कर ले। देखिए मेरा ये मानना है, मणिशंकर तो गेस्ट अपीयरेंस अच्छा रोहित जी का मामला, आप बोलिए फिर कि ये भड़का रहे हैं बैठ के आसिफ खान, या बोलिए कि कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी का दिल्ली में चुनाव है या जहां उनको लगता है कि बस अब सत्ता हमारे पास आ सकती है, वो ये गलत, एक देश को कितना बड़ा नुकसान दुनिया में, रोहित जी आपका से लेकर के दुनिया में जो हम जो बहस कर रहे हैं वो अमरीका और लंदन में बैठे हुए लोग इसी बात पर आपत्ति करते हैं, ये तो यही हो रहा है यहाँ पर, ये तो भारत के खिलाफ सब कुछ यही गलत काम भारत में हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कातिल किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री को यदि कोई कातिल कह करके, इतने बड़े राजनयिक रहे हैं वो, डिप्लोमेट रहे हैं, ये बहुत ही भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और आंदोलन को शांतिपूर्ण राजघाट पर आंदोलन के समझ में आता है, पूरे दिल्ली में जिस तरह से केवल दिल्ली के चुनाव के बाद होगा क्या वो आप ये देख लीजिए, चुनाव से पहले शुरू किया गया, चुनाव के बाद के लिए कांग्रेस का जमीन तैयार करने के लिए काम, ठीक है अभी इनसे पूछ लेते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं, छोटा बहुत छोटा बहुत छोटे, उनका सवाल वेट कर रहे हैं। शाहीन बाग का आंदोलन में जो शुरू शुरू में जो नारे लगे थे, भारत के खिलाफ नारे लगे थे, कभी नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे, आप गलत बयान कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कौन से नारे थे सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो आपने सुने हमने नहीं सुने, अल्लाह अकबर से लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर आपको भारत के खिलाफ कहने लग गया, सारे आप गलत बयान क्यों कर रहे हैं, बाद में इन लोगों के भी नारे लगते हैं, वहां हवन भी चल रहा है, बाद में इन लोगों की बैठक में ये तय हुआ, वहां के लोगों ने ये बात की कि देखिए जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं, बाकी जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो इसके हिस्से नहीं होंगे, हिंदू पोलराइजेशन होगा, इसीलिए बाद में इन लोगों ने जोड़ा, क्या जोड़ा कि अब हम जनगण मन भी गाएंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, भी एतराज है आपको, हमें एतराज नहीं है, खबर बता, लेकिन आपके आपके मूल में जो है उसको ढकने के लिए ये राष्ट्रवाद का चोला पहन रखा है, दो चीजें ले आते हैं, दो चीजें ले आते हैं, दोनों बातें कर रहा है, एक वंदे मातरम जनगण मन गाना जिसको लेके पहले लगातार एतराज किया जाता रहा, अब उसको ऐसे गा के प्रस्तुत किया जाता है कि देश पे एहसान हो रहा है, कभी एतराज क्यों हो रहा है, एक सेकंड सर, आप भी जानते हैं आसिफ साहब, आप मतलब क्या चाहते हैं यहाँ बैठ के लाइव में, जनगण मन का हमने एतराज कब किया है, कब हमारा राज थिएटर में बजता था तो ऐतराज करते थे, नहीं, नहीं, हमने नहीं किया, सर छोड़ दीजिए ना, मुसलमानों ने नहीं किया, बहस ही नहीं कर रहा, हर चीज को मुसलमान पे डाइवर्ट मत करिए, आपने वो जो लोग करते हैं आप कह रहे हैं मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, हम ये ये कह रहे हैं ना मुसलमानों का, ये बात कह रहे हैं ना मुसलमानों का आंदोलन है, मुसलमान अल्लाह हो कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं आपने कहा मुसलमानों का, एक सेकंड।